जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव की जो रणभेरी फूकी गई है, उस रणभेरी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपके लिए ज़रूरी ये है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, और आप जब वोट देने जाएंगे 28 तारीख को 71 सीटों का, कौन कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आपको अच्छा लगता है, आप वोट देने जाएंगे। पर यह तिलस्म 71 सीटों का, अभी तो 243 बाकी हैं, लेकिन 71 सीटों का तिलस्म अभी तक नहीं टूट पाया था। कुछ पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने तो अपना ताल पहले ही ठोक लिया है। दूसरा दिन है और अभी भी आपको पता है कि दो दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक नामांकन की प्रक्रिया बहुत सुस्त है। कारण है उसका कि बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपना अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन बहुत पहले हमने आपको बताया था कि लालू फार्मूला पर ही इस बार महागठबंधन का जो भी कुछ होना है होगा, वरना महागठबंधन की जगह पर RJD गठबंधन हो जाएगा। और बिल्कुल इसी दिशा में सब कुछ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कांग्रेस के पास विकल्प बहुत सीमित हैं, और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो कोई नया रिस्क ले, क्योंकि एक लंबे समय के बाद 2015 में कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने आप को पुनर्जीवित किया था 27 सीटों के साथ। आज भी 26 विधायक उसके हैं और एक सांसद भी हैं। एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विपक्ष में रहते हुए विधायक भी उसके हैं, सांसद भी हैं, और उसने 2019 के चुनाव में कड़ी टक्कर में अपना प्रतिष्ठा बचाया था और महागठबंधन का भी प्रतिष्ठा बचा लिया था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि VIP लगातार कोई कहीं जाए, हालांकि शुरुआत तो VIP नहीं किया था। आपको याद होगा कि VIP ने बाकी के तीन दल RLSP हम के साथ कई दौर की बैठक की, और VIP को कहा जा रहा था कि वो सबसे ज़्यादा इस महागठबंधन में सीटों को लेकर के बेचैन है। पर VIP ने जितना धैर्य का दिखाया, उस धैर्य का परिणाम सामने आया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि 140 से 150 सीटों पर RJD लड़ेगी और बाकी का सीट वो अपने साथी दलों को देगी। साथी दलों में कौन कौन बच गए हैं ये आप जानते हैं, और नए साथी को भी उसके जगह पर जोड़ा गया है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी पहले ही निकल चुकी थी, RLSP निकल चुकी है, और अब जो स्थिति है वो स्थिति है कि नई जो एक टीम है वो वाम दलों की टीम है, जिसे लेकर के लालू प्रसाद शुरू से ही ये चाह रहे थे कि वाम दल हर हाल में इस बार विधानसभा चुनाव में उनके साथ हों, क्योंकि इसका खामियाजा उन्होंने लोकसभा चुनाव में भुगत लिया था। सिर्फ एक सीट पर उनकी सहमति बन पाई थी, और इस बात को लेकर के अब तक अफसोस दोनों ही खेमे में है, वाम दलों में भी और RJD में भी, क्योंकि वोट शिफ्ट कराने का जो फॉर्मूला था वो न तो RLSP करा पाई थी और न ही हिंदुस्तानी आवाम पार्टी करा पाई। ये कहना है कहीं ना कहीं RJD और कांग्रेस का, RJD और कांग्रेस ने दोनों को भाव भी नहीं दिया। RJD और कांग्रेस नूरा कुश्ती करते रहे, और नूरा कुश्ती में कहीं ना कहीं फायदा जो है वो नजर आ रहा है कि कांग्रेस को हो गया है, वहीं RJD भी अपनी बातों पर टिकी रह गई। पहला तो उसने कहा था कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवारी RJD के पास रहेगा और तेजस्वी यादव उसके चेहरा होंगे, ये बात VIP ने मान लिया था। कांग्रेस यदा कदा इस बात को लेकर के, चूंकि एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो होता है उसके चलते ये सब हो रहा था, और अंत में जब RJD ने स्पष्ट कर दिया कि जिसे जो फैसला लेना है ले ले, लेकिन ये दो मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर वो समझौता नहीं कर सकती है। वाम दलों ने भी बहुत कुछ किया, और अंततः वही लालू फार्मूला जो आज से 6 दिन पहले 7 दिन पहले हमने आपको बताया था, भारत लाइव में आपके सामने रखा था, फॉर्मूला बिल्कुल वही है जिसकी घोषणा आज किसी भी समय हो सकती है। हो सकता है कि हम आपसे बात कर रहे हों, आप खबर देख रहे हों, और दूसरी तरफ चारों दल मिल करके महागठबंधन के सीटों का घोषणा कर रहे हों। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में ये तय हो गया है कि वाम दल अब साथ में हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात चली, लंबे समय तक दोनों ने एक दूसरे को हाँ और ना के बीच में अंतिम फैसला कर लिया, और इस फैसले की जानकारी भी लालू प्रसाद तक पहुँचा दी गई है। अब स्थिति यह है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है उसमें 29 सीटों पर बात बनी है। हमने आपको बताया था कि 25 से 30 सीटें वाम दलों को मिल सकती है, और 29 सीटों पर फैसला हुआ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारत लाइव की उस खबर पर मुहर लगी है। दूसरा, अगर कांग्रेस की बात करें, हम VIP की भी बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 70 से 80 सीटें मांग रही थी,
और 58 से 70 सीटों के बीच में हमने बताया था कि आरजेडी राजी हो सकती है, क्योंकि सीटों का फॉर्मूला और आंकड़े जो हैं वो बहुत कुछ कह रहे थे। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस को पिछली बार नहीं मिल पाया था, जिसके लिए कांग्रेस ने जिद भी किया था, अब वो सीटें कांग्रेस को मिल गई हैं, यानी कि कांग्रेस को भी 68 सीटें मिला है। ये फैसला आज दिन में किसी भी समय आपको मिल सकता है। अब बाकी के जो 146 सीट बचते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस बार आरजेडी ने वीआईपी को अपने साथ रखा है। वीआईपी इन 146 सीटों में कितनी सीटें पाती है ये महत्वपूर्ण बात होगी। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इनमें से 13 से 16 सीटें वीआईपी के खाते में जा रही हैं। आरजेडी 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं, 30 से 33 सीटें आरजेडी के पास रह सकती है, और ये आज का सबसे बड़ा फैसला है जो एनडीए से पहले एनडीए के झंझावात के बीच में, आपसी रंजिश के बीच में, आपसी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर दिल्ली से पटना की दौड़ के बीच में पटना में यह फैसला हो गया। और कांग्रेस के लोग जब पटना आए तो रात के अंधेरे में यह फैसला हुआ जो दिन के उजाले में आपके सामने आ जाएगा। इस फैसले को लेकर के बहुत आशान्वित हैं लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। खास करके तेज प्रताप यादव ने निजी चैनलों के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही है कि हर हाल में उन्हें अपने अर्जुन को इस बार गद्दी दिलानी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस और कांग्रेस के हाथ के सहारे क्या वीआईपी के नौका पर सवार होकर के तेजस्वी यादव की नाव उस पार लगेगी जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी न किसी का इंतजार कर रही है। 10 तारीख को फैसला हो जाएगा कि कौन राजा और कौन रंक बना। क्या उंगली पकड़ करके नीतीश कुमार को राजनीति में प्रवेश करने वाले मात्र 5 साल पहले तेजस्वी यादव को बिहार की जनता स्वीकार करती है अपने मुखिया के रूप में? बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ करके जा रहे हैं। जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके जवाब बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वो बताते हैं कि आप लोकतंत्र में कितना ज्यादा एक्टिव हैं और चुनाव में आप किसे वोट देने जाएंगे। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।